राष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बीते हफ्ते ही इस बात अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार 18 जुलाई को चुनाव होगा और 21 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाएगा। बहरहाल राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक सत्तारूढ़ दल यानी NDA विपक्षी खेमे की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 दलों के नेताओं को 15 जून की बैठक के लिए निमंत्रण भेजा था, जिसमें ममता के करीबी माने जाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पहले ही विपक्षी दलों के इस बैठक में शामिल न होने की बात कहकर पहला झटका दिया। वहीं इसके अलावा बीजू जनता दल, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने भी इस बैठक से खुद को किनारा कर लिया। वहीं बुधवार की बैठक में महाविकास आघाड़ी के घटक दल सपा झारखंड मुक्ति मोर्चा, माकपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, जनता दल, सेक्युलर जैसी कई अन्य गैर NDA घटक दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए। बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला और कहा गया कि विपक्ष की ओर से उम्मीदवार का नाम तय किए जाने तक बैठकों का दौर जारी रहेगा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ममता के नेतृत्व में विपक्ष की बैठक से पहले यानी 14 जून को ममता बनर्जी सहित वाम दलों के कई नेताओं ने NCP प्रमुख शरद पवार की आवाज पर अकेले अकेले मुलाकात कर उनका नाम राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए घोषित किए जाने के लिए मनाया, लेकिन शरद पवार इसके लिए तैयार नहीं हुए। शरद पवार ने इस बात पर ट्वीट भी किया। केंद्र में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर कांग्रेसी नेताओं की जगह ममता विपक्ष का नेतृत्व करती दिख रही हैं। ऐसे में एक बार फिर विपक्ष के चेहरे के तौर पर कांग्रेस से राहुल गांधी नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। हालांकि बीते दिनों से लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय का चक्कर काटना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बीते कुछ दिनों से कोरोना पीड़ित होने की वजह से दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं बीते साल पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा के चुनाव में अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ जीत से ममता का कद और ज्यादा बढ़ा है और तभी से ममता बनर्जी की नजर 2024 लोकसभा चुनाव पर टिकी है। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे के बाद से ही TMC और ममता की ओर से पूरे देश भर में ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। PM मोदी के सामने ममता बनर्जी ही सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। पिछले एक साल की बात करें तो हर मोर्चे पर ममता कांग्रेस से एक कदम आगे खड़ी नजर आ रही है, चाहे वो देश में मजहबी हिंसा, बेरोजगारी पर सवाल हो या फिर राष्ट्रपति चुनाव से पहले की तैयारियां, हर जगह ममता कांग्रेस से आगे दिख रही हैं। हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए जिनमें कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। ममता ने इसे भी एक मौके की तरह देखा और नतीजों के बाद मोर्चा में विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी जिसमें फिर से एकजुट होने की बात कही गई थी और इस दौरान ममता कांग्रेस पर बरसते हुए ये तक कह गई कि UPA है क्या। ममता ने शरद पवार और पी चिदम्बरम जैसे नेताओं से खुली अपील भी कर चुकी हैं कि अगर देश को बचाना चाहते हो तो 2024 के लिए एक फ्रंट तैयार करने की तैयारी शुरू करें। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।